हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में। और आज का वीडियो है MSc CS फाइनल के असाइनमेंट के बारे में, जो कि है जुलाई 2022 और जनवरी 2023 के। तो अगर आप वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से अगर आप MSc कर रहे हैं या MCA कर रहे हैं, तो दोनों के लिए असाइनमेंट जो है वो आपके सेम है, जुलाई 2022 और जनवरी 2023। तो सबसे पहले इसकी जो बनाने का जो तरीका है वो आप यहाँ से देख लें कि सबसे पहले जो ये 17 अंक जो होता है वो आपका 20 अंकों का होता है, जो कि आपके जो मेन एग्जाम में जोड़ा जाता है। और अगर आप ये 17 अंक प्राप्त नहीं करते हैं तो आप बाकी के एग्जाम में भी इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। इसके लिए आपको सादे या वाइट पेपर जो आता है या A4 साइज के जो पेज आते हैं उनका आपको यूज करना है। उसके अंदर आपकी जो बेसिक डिटेल जो होती है, जैसे कि पाठ्यक्रम कोड, नाम, स्कॉलर नंबर, छात्र का नाम, क्षेत्र, केंद्र आदि का नाम आपको डालना है, ठीक है। A4 साइज का आपको प्लास्टिक की जो पारदर्शी जो फाइल आती है उस फाइलों का आप उपयोग कर सकते हैं या कागज की फाइल का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आपकी जो फाइल है MSc CS, इनका जो कोड है 202, 203, 204, 205, तो इन सभी का अलग अलग प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो सभी में आपका गृह कार्य करने में उसमें मुख्य पृष्ठ आपको जोड़ना है और सभी का अलग अलग फाइल आपको बनानी है, न कि एक फाइल बनानी है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक ही फाइल में सारा मैटर लगा के दे देते हैं, तो वो आपको नहीं करना है, सबका अलग अलग बनाना है। उसके बाद इस फर्स्ट पेज का आप प्रिंट निकाल लें, जिसमें आप पाठ्यक्रम कोड, पाठ्यक्रम का नाम, स्कॉलर संख्या, छात्र का नाम, पिता का नाम, पत्र व्यवहार का जो पता है, अध्ययन केंद्र का जो नाम है वो आप यहाँ पर डाल दें। और यहाँ पे जमा करवाने की जो दिनांक, जिस तारीख को आप अपना स्पीड पोस्ट से भेज रहे हैं या स्वयं जाकर आप जमा करवा कर आ रहे हैं, तो आप इसमें वो डेट आप यहाँ पे डालें। और ज़्यादा बेटर होगा आपकी जो असाइनमेंट है आपकी सुरक्षा के लिए कि आप स्वयं जाकर इनको जमा करवाएं, क्योंकि उसकी रिसिप्ट भी आपको हाथों हाथ मिल जाएगी। अब उसके बाद का जो तरीका है, पहला देख लें आप क्वेश्चन मिलान करें MSc CS 201 डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। तो इसका जो पहला पेपर है, डिफाइन द ट्री, प्रूव दैट ए टी प्रोनो ए दैट ए टी वर्टिकल साइड एग्जैक्टली N1 - S। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप क्वेश्चन मिलान करें। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो इसके जो आंसर है वो यहाँ पे मैंने बना दिए हैं। ये आप देख सकते हैं कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ट्री डेटा स्ट्रक्चर, हैश टेबल और ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, तो ये आपके टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर हो गए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सेक्शन ए जो है इनमें से आपको चारों क्वेश्चन करने होते हैं, सेक्शन बी में से केवल आपको दो क्वेश्चन करने होते हैं और सेक्शन सी में से केवल आपको एक क्वेश्चन ही करना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन दिया हुआ था, एक्सप्लेन वेरियस सॉर्टिंग एल्गोरिथम विद देयर कॉम्प्लेक्सिटी, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी की टेबल बना दी है, क्योंकि तीन प्रकार की होती है, जो कि है बेस्ट, एवरेज और रोस्ट। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कितनी होती है वो यहाँ पर दी हुई है। इसी तरह से पेपर नंबर 402 जो कि आप देख सकते हैं, जो कि है MSc CS 202 का कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड द माइक्रो प्रोसेसर। तो क्वेश्चन मिलान करें, व्हाट इज द सब रूटीन, डिफाइन द टर्म ऑप कोड एंड व्हाट इज द इंटरप्ट्स, एक्सप्लेन इट रोल एंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ सिस्टम बस। तो इसका भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आंसर है वो आपके यहाँ पे तैयार हो गए हैं। तो इन आंसर को आप लिख कर अपनी जो फाइल आती है उसमें वाइट पेज भी ले सकते हैं और उन पेजों में लिखकर आपको डिपॉजिट करवाना है। इसी तरह से पेपर नंबर 3 आप देख लें, MSc CS 203 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो पेपर है, जिसका कि क्वेश्चन मिलान करें, व्हाट डू यू मीन बाय द टेस्ट केस और व्हाट इज द मीन बाय द प्रोटोटाइपिंग। तो ये आपके क्वेश्चन है, सेक्शन बी का क्वेश्चन आप मिलान करें, व्हाट डू यू मीन बाय द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, डिस्कस वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द सॉफ्टवेयर क्वालिटी। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं और इसका जो आंसर है वो भी आप यहाँ पे देखें सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, तो यहाँ पे इसके जो आंसर है वो आपके यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो जिसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कोइजन और कपलिंग में क्या डिफरेंस है, तो वो आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और अगर आपकी उसकी PDF रिक्वायरमेंट है तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, 7976271752 पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको PDF फाइल जो है वो इसकी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो पेपर नंबर चलते हैं अगला है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेडलॉक, गिव मेजर डिफरेंस बिटवीन डेडलॉक डिटेक्शन एंड द प्रिवेंशन, व्हाट इज द डिजिटल सर्टिफिकेट। तो ये क्वेश्चन है और इसके जो आंसर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आंसर यहाँ पे बनाए हुए हैं, व्हाट इज द डेडलॉक, गिव मेजर डिफरेंस बिटवीन डेडलॉक डिटेक्शन एंड द प्रिवेंशन। तो यहाँ पे दोनों में जो डिफरेंस है वो आपका यहाँ पे क्लिक कर दिया गया है कि डेडलॉक
प्रिवेंशन क्या है और डेडलॉक अवॉइडेंस क्या है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 205 जो है पेपर नंबर MSCCS 205 डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, फॉर मोर PDF 7976279 पर आप मुझे व्हाट्सअप करके आप देख सकते हैं, आपको ये जो PDF है वो मिल जाएगी। नंबर आप नोट कर लें, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट के व्हाट्सअप आप लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो इन आंसर को आप डायग्राम के साथ में बनाएं, जितना ज़्यादा डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो उतना ही अच्छा जो असाइनमेंट है आपका प्रिपेयर होगा। तो दोस्तों आपने अपना जो असाइनमेंट है वो प्रिपेयर कर लिया है, और जितना जल्दी हो सके टाइम का ध्यान रखते हुए अपने जो असाइनमेंट है वो आप डिपॉजिट करवा दें। और ये असाइनमेंट है आपके जुलाई 2022 और जनवरी 2023 की, अगर आप MSc फाइनल ईयर में है या फिर आप MCA के सेकेंड ईयर में अगर आप हैं तो आपके लिए असाइनमेंट ये रहने वाले हैं। ओके दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।